स्वागत है आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के साउथी जनपद के इकौना इलाके की है, जहां पर एक 65 से 70 वर्षीय अज्ञात बुजुर्ग का शव मिला, जिसकी लगातार शिनाख्त की गई, लेकिन घंटों मशक्कत करने के बाद भी बुजुर्ग के शव की शिनाख्त नहीं हो गई। ऐसे में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के साउसी जनपद के इकौना इलाके के नेशनल हाईवे 730 सत्यादयन विद्यालय के पीछे का यह पूरा मामला है, जहां पर एक 65 से 70 वर्षीय अज्ञात बुजुर्ग का शव मिला। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने इकौना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची इकौना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें, इकौना पुलिस ने घंटों मशक्कत की कि बुजुर्ग का शिनाख्त हो जाए, परंतु जब उसकी शिनाख्त नहीं हुई, तो ऐसे में इकौना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भिनगा भेज दिया है। यहां पर 3 दिनों तक शव को सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे इसकी पहचान हो जाए। आपको बता दें, इकौना इलाके के नेशनल हाईवे 730 सत्यादयन विद्यालय के पीछे का यह पूरा मामला है, जहाँ पर एक अज्ञात बुजुर्ग का शव पाया गया, जिसकी सूचना आसपास के पशु चराने गए लोगों ने ग्राम प्रधान को दी, जिस पर ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना इकौना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात शव के शिनाख्त की लगातार कोशिश की, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। इकौना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर एक अज्ञात बुजुर्ग का शव पाया गया, परंतु उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। ऐसे में ग्रामीणों का यहां पर जमावड़ा लगा रहा, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी, जिस पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब देखना ये होगा, क्या इस अज्ञात बुजुर्ग की शिनाख्त हो पाती है अथवा नहीं। सबसे तेज खबर साउथी चैनल पर आप देख पा रहे हैं। साउथी जनपद के इकौना इलाके से अहम खबर, जहां पर एक 70 वर्षीय अज्ञात बुजुर्ग का शव लावारिस हालत में सत्यादयन विद्यालय के पीछे नहर की पटरी पर पड़ा हुआ मिला। सूचना पर भारी तादाद में लोग जमा हुए, परंतु इसकी पहचान नहीं हो पाई। घटना स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे तेज खबर साउथी चैनल पर। अब आगामी दिनों में क्या इस बुजुर्ग की पहचान हो पाती है अथवा नहीं, यह गर्व की बात है।